हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यस वीकेंड में। आज हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी बेस्ड ऑन एम लक्ष्मीकांत। यह सीरीज सिविल सर्विसेज, पीएससी और अन्य एग्जाम जहाँ इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है के लिए उपयोगी है। इस सीरीज के पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। यह इस सीरीज का 34वां चैप्टर है जिसको हमने दो पार्ट में बांटा था। ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट देखने वाले हैं जो कि भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक इसका प्रोविजन है। यह वीडियो मेरे द्वारा चंद्र प्रकाश पात्रे के द्वारा बनाया गया है और यदि आपको सीरीज पसंद आती है तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब हम आज का इंडेक्स देख लेते हैं। आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो हम सुप्रीम कोर्ट वाले सेक्शन में देख चुके हैं पहले ही, या हम एक बार रिवाइज करेंगे। देन हम उसके शक्तियां और क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट की जो शक्तियां और क्षेत्राधिकार है वो देखेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो शक्तियां और क्षेत्राधिकार है लगभग इक्वल है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका क्षेत्राधिकार पूरे देश में है, पूरे कंट्री में, इंडिया में है, और हाई कोर्ट जो है उसका संबंधित जो स्टेट है वहां तक की इसकी शक्ति है। जो प्रकृति है शक्ति और क्षेत्राधिकार का वो लगभग एक जैसा है। कुछ कुछ शक्तियां जो है हाई कोर्ट को एक्स्ट्रा है वो हम अलग से देखेंगे। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं मूल क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, देन अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, अभिलेख न्यायालय की शक्तियां, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और अन्य शक्तियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो देख लेते हैं, या जुडिशियरी सिस्टम वो देख लेते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, नियुक्ति की प्रक्रिया इसकी कैसे होती है, ये न्यायाधीशों के मध्य से ही होती है और कॉलेजियम की सिफारिश के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। तो कॉलेजियम का प्रक्रिया मैंने बताया था, एक जो है वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अन्य जो सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे, वो जजेस क्या करते हैं, रिटर्न में रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि इस व्यक्ति का क्या किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए। यदि हाई कोर्ट का न्यायाधीश है तो उसमें क्या होता है, जो उस संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी और राज्यपाल की क्या है राय ली जाती है। तो ये प्रक्रिया क्योंकि पूरी तरह से न्यायपालिका के माध्यम से की जाती है और उसकी जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, उसको राष्ट्रपति जो है वो मानने के लिए बाध्य हैं। इसलिए क्या है, इनकी नियुक्ति क्या है किसी भी तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं होती, बाध्य मतलब इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम हो जाती है। हालांकि इसमें भी काफ़ी विवाद है, एनजेसी आया था इस पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा। तो 62 ईयर्स तक इनका रिटायरमेंट एज होता है और रिटायरमेंट तक ये क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। इनके कोई ऐसा टर्म फिक्स नहीं है कि 5 साल 6 साल 7 साल ऐसा कुछ काम करेंगे, ऐसा टर्म फिक्स नहीं है। एक बार जब ये नियुक्त हो जाते हैं उसके बाद 62 ईयर्स मतलब जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक वो काम करते रहते हैं। लेकिन इस बीच में केवल कुछ आधारों पर इनको हटाया जा सकता है। वो क्या है, केवल असमर्थता और सिद्ध कदाचार के आधार पर ही इनको महाभियोग के जैसी प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये एक सेफ गार्ड है कि आप इनको लाइफ टाइम या जो इनका रिटायरमेंट एज है तब तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इवन इनके कैरेक्टर के ऊपर या इनके गतिविधियों के ऊपर भी कोई चर्चा नहीं होती संसद में, कब तक, जब तक उनके ऊपर महाभियोग न चल रहा हो। केवल महाभियोग के समय उनके आचरण पर क्या होगा, चर्चा होगा। निश्चित सेवा शर्त, तो वित्तीय आपातकाल को यदि छोड़ दें, वित्तीय आपातकाल में आपको पता होगा जब वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के माध्यम से लगता है तो इनकी सैलरी और वेतन भत्ते जो है वो सब चीज़ों में क्या है, कटौती की जा सकती है, जैसे कि सामान्य कर्मचारियों का किया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल को अगर छोड़ दें तो इनके अलावा इनकी सेवा शर्तों में उनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती, मतलब नकारात्मक परिवर्तन नहीं होते, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें उनके वेतन भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते, उनकी जो सुविधाएँ हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं, कम नहीं की जा सकती। संचित निधि पर भारित व्यय, तो इनके जो वेतन भत्ते और कार्यालय के जो खर्च होते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक पद है इसलिए इस संवैधानिक पद पे जो व्यय हो रहा है उनको क्या किया गया है, संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है। भारित व्यय में क्या होता है, ये संसद में इस पैसे पे मतदान नहीं किया जाता। संचित निधि से दो तरीके से पैसा खर्च होता है, एक होता है भारित व्यय और दूसरा होता है सामान्य व्यय। तो भारित व्यय जो है इसमें किसी प्रकार का वोटिंग नहीं होता, और जो सामान्य व्यय होता है जो सरकार अन्य जो व्यय करती है उसमें संसद में वोटिंग होती है, जो और जब संसद से परमिशन मिलता है उसके बाद क्या है वो खर्च कर सकती है, उससे पहले नहीं। लेकिन जितने भी संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोक सेवा आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के जो संवैधानिक पदों के जो खर्च हैं, उनके वेतन भत्ते, वो सब क्या है, संचित निधि पर भारित है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई वोटिंग नहीं होता, ये सीधे जो राजकोष है या संचित निधि है वहाँ से पैसा आहरण कर सकते हैं। महाभियोग के अलावा
न्यायाधीशों के जो आचरण है उन पर कभी भी बहस नहीं हो सकती। अगर ऐसा किया जाता है कहीं पर भी, चाहे वो विधानसभा में हो, संसद में हो, कहीं भी हो, यदि ऐसा होता है तो उसको न्यायपालिका की अवमानना मानी जाएगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। केवल कब आचरण पर बहस होगा? जब महाभियोग चल रहा हो। सेवानिवृत्ति के बाद इनके वकालत पर रोक होती है, ये किसी दूसरे न्यायालय पर वकालत नहीं कर सकते। न्यायालय की अवमानना पर दंड देने की इनको शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था क्या करता है, न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध जाके काम करता है या न्यायालय के आदेश को मानने से इनकार कर देता है, ऐसे मामले में इनको क्या माना जाता है, ये न्यायालय का क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है, न्यायालय की अवमानना कर रहा है, ऐसे कंडीशन में उनको ये दंड दे सकते हैं। अपना स्टाफ स्वयं नियुक्त करने का इनको स्वतंत्रता है। ये स्वयं क्या करते हैं, अपना स्टाफ का नियुक्ति करते हैं, एग्जाम लेते हैं या जो भी मानदंड है वो तय करते हैं और उस हिसाब से अपने जरूरतों के हिसाब से अपना स्टाफ नियुक्त करते हैं। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं हो सकती, मतलब जो फिक्स इनका जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वहाँ तक क्या है, किसी तरीके से उसमें कटौती नहीं होगी, उसमें बढ़ाया जा सकता है। कार्यपालिका से इनकी पृथकता है, कार्यपालिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, हालांकि थोड़ा बहुत होता है बट वो नहीं है। तो न्यायपालिका एक ऐसा सेक्शन है जो पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से क्या करता है, काम करता है और संविधान की रक्षा और कानून का जो व्याख्या है उन सब कोई क्या करता है, ऐसे दायित्व को निभाता है न्याय के साथ साथ। अब आते हैं इसके क्षेत्राधिकार, जो शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स हैं उसमें सबसे पहले हम आर्टिकल 225 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 225 और उसके आगे जो है 225, 226 एंड समथिंग आगे, इसमें कुछ कुछ क्षेत्राधिकार हैं। मूल क्षेत्राधिकार इसका 225 में है। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की हम बात करेंगे, देन हम रिट ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे, सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे, फिर कंट्रोल और सबऑर्डिनेट देखेंगे, फिर अकोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या फिर अभिलेख न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में हम देखेंगे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है हाई कोर्ट को किस तरीके से, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या आते हैं इनका, सबसे पहले अधिकारिता का जो मामला है वो इसमें आता है, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून और न्यायालय की अवमानना संबंधी जो मामले हैं इनके मूल क्षेत्राधिकार में, वो सब क्या है वो सीधे सुन सकता है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब होता है ऐसे मामले जो सीधे हाई कोर्ट में क्या है चालू किए जा सकते हैं, मतलब इसके पहले जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है, लोअर कोर्ट में न जाके सीधे व्यक्ति क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है ऐसे मामलों को लेके। तो कौन से हैं, अधिकारिता का मामला है, वसीयत का मामला है, विवाह, तलाक, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना, ये सब मामले हैं। संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद है, अभी निर्वाचन वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछता है। तो संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद आएगा तो हाईकोर्ट के मूल अधिकारिता का हिस्सा, ये कहीं और नहीं जाएगा। राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में कोई मामले हैं वो। नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, आपको पता होगा मूल अधिकारों के लिए व्यक्ति या तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, इसके नीचे किसी अन्य कोर्ट जाने की इनको आवश्यकता नहीं है, जा भी सकता है बट इसके पास, व्यक्ति के पास अधिकार होगा कि वो सीधे हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करे, अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए चैलेंज करे या न्यायिक सुरक्षा की मांग करे। तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामलों में ये इनको मूल अधिकार है। फिर संविधान की व्याख्या के संबंध में यदि कोई मामला है तो अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित जो भी मामले हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित करके उसकी व्याख्या या तो ये स्वयं कर सकते हैं, और यदि इनको लगता है कि संविधान का एक महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है या संविधान की अलग से व्याख्या की आवश्यकता है तो ये क्या कर सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर सकते हैं। देन उच्च मूल्यों के सिविल मामले जो है, मतलब हाई प्राइस के जो मामले होते हैं, मतलब इसमें समय समय पर निर्धारित किया जाता है कि कितने रुपए से कितने रुपए तक वाले मामले जो है हाई कोर्ट में सुने जाएंगे और कितने रुपए के मामले लोअर कोर्ट्स में सुने जाएंगे। तो लोअर कोर्ट्स में एक निश्चित राशि होती है, उस राशि तक के मामले सुने जाते हैं सिविल मामले, उसके ऊपर के जो मामले हैं वो हाई कोर्ट सुनते हैं। इसमें बेसिकली चार न्यायालय, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर ये वाला मामला है। इसके अलावा अन्य मामलों में, सिविल मामलों के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो कौन कौन से चार न्यायालय हैं, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय, ये चार न्यायालय है जहाँ पर ये जो उच्च मूल्य के सिविल मामले जो हैं जो सीधे सुने जा सकते हैं वो यहाँ पर लागू होते हैं, अदरवाइज बाकी सभी न्यायालयों में सिविल मामले जो लोअर कोर्ट से वहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब आते हैं न्यायाधीश या फिर रिट ज्यूरिडिक्शन पर। रिट ज्यूरिडिक्शन क्या है, आर्टिकल 226 में इसका प्रोविजन है, ये आर्टिकल आप याद रखिएगा, पूछा जाता है।
आर्टिकल 226 इसमें क्या है, केवल मूल अधिकार और कुछ अन्य जो संवैधानिक या विधिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए क्या है, ये एक सुरक्षा उपाय है। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में ये प्रोविजन है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, या जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 32 केवल मूल अधिकारों से संबंधित है, लेकिन जो हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में संवैधानिक उपचार का अधिकार जो मिला है, न्यायाधीश का जो अधिकार मिला है, वो मूल अधिकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारों को भी शामिल करता है। तो ये क्या क्या है, तो आपको पहले देख लेते हैं जो रिट है वो कौन कौन से है। तो ये जो हमने सुप्रीम कोर्ट के संबंध में देखा वही चीजें, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, देन परमादेश या अमेंडमेंट्स, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण या सर्शियरी, अधिकार परीक्षा या क्वारंटो। तो ये पांच प्रकार के क्या है, रिट जारी कर सकता है। हाँ, रिट के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण आपने पहले देखा, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर उपस्थित करो, मतलब किसी व्यक्ति ने क्या है अवैध रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी संस्था ने या पुलिस ने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या है गिरफ्तार किया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में न्यायालय क्या कर सकता है, उसको सशरीर उपस्थित करने के लिए बोल सकता है, और यदि जो गिरफ्तारी के कारण है या डिटेन करने के जो कारण है पर्याप्त नहीं है तो उसको रिलीज करने के लिए भी आदेश कर सकता है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, मतलब जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो आदेश देती है कि आप क्या करोगे, इस तरीके से काम करोगे। तो बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को या एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव को क्या है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि आप इस तरीके से काम करेंगे। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना। रोकना मतलब क्या है, यदि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके काम कर रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो ये क्या कर देते हैं किसी मामले को जो चल रहा है उसको रोक देते हैं, और रोकने के बाद उस मामले को अपने पास लाते हैं या फिर स्वयं क्या करते हैं उसमें निर्णय सुनाते हैं या फिर उसकी प्रक्रिया को सही तरीके से क्या करते हैं गाइड करते हैं। अगला है उत्प्रेषण, सर्शियरी। सर्शियरी जो है ये प्रतिषेध के इक्विवेलेंट है, बट इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है। उत्प्रेषण का मतलब होता है जो पूरा मामला है उसको क्या कर दिया जाए, हाई कोर्ट अपने पास बुला लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेता है। तो ये मामले क्या है, यदि किसी लोअर कोर्ट ने, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर अन्य जो लोअर कोर्ट है, यदि उसने क्या किया अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके निर्णय दिया है या अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं पूरे मामले को अपने पास बुला लेते हैं और उसके बाद फिर उस पर निर्णय देते हैं। तो ये है उत्प्रेषण। देन आता है अधिकार परीक्षा या क्वारंटो। इसका मतलब होता है किस अधिकार से, मतलब यदि आप किसी लोक सेवा या लोक पद पे संलग्न हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो न्यायपालिका आपसे पूछ सकती है यदि कोई क्लेम करे कि यह व्यक्ति जो है अवैधानिक तरीके से इस पद पे है, तो न्यायपालिका पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर आसीन है और उस पद का काम कर रहे हैं। तो ये अधिकार परीक्षा है। आप उसके बाद प्रूफ देंगे कि आप इस अधिकार से आपने ये काम किया है, तो यदि न्यायपालिका को लगता है कि आपका जो जवाब है संतुष्टिकारक है तो आपको रहने देगा, नहीं तो आपके पद से भी उसको हटा सकता है। जैसे कई बार होता है ना, अवैध दस्तावेज के माध्यम से या गलत तरीके से कोई किसी पद को धारण कर लेता है और उसको चुनौती दी जाती है, तो फिर वहां पर ये क्या है अधिकार परीक्षा लागू होता है। जो न्यायपालिका है वो क्या कर सकता है, ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए उसको पद से मुक्त कर सकता है। अब आते हैं अपीली क्षेत्र अधिकार, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन में क्या है, इसमें सिविल या दीवानी जो विषय है उससे संबंधित जो अपीलें वो इसमें आती हैं, जो भी लोअर कोर्ट्स में आते हैं। उसके बाद दूसरा है आपराधिक या फौजदारी मामले। तो जो सिविल मामले हैं वो सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में स्टार्ट होंगे। आपको चार न्यायालय जो है वो छोड़ के मैंने बताया था, चार न्यायालय में हाई वैल्यू के जो सिविल मामले हैं वो सुने जा सकते हैं। कौन कौन से हैं, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, ये चार जो न्यायालय हैं। इसके अलावा बाकी सभी में जो सिविल मामले हैं वो लोअर कोर्ट्स में स्टार्ट होते हैं। लोअर कोर्ट्स के बाद ये मामले कहाँ जाएंगे, जब अपील का प्रोसेस होगा, अपील प्रोसेस में ये हाई कोर्ट जाएंगे। इसी प्रकार जो आपराधिक मामले हैं, आपराधिक मामले या फौजदारी के जो मामले हैं वो सब भी क्या है लोअर कोर्ट्स में स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद फिर धीरे से अपील कहाँ की जा सकती है, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब आते हैं पर्यवेक्षी अधिकार या सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। इसमें सैन्य न्यायालयों के अलावा जो भी इसके अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों का क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है। तो सैन्य न्यायालयों का क्यों नहीं करता, क्योंकि जो राज्य के जो हाई कोर्ट हैं उनको सेना न्यायालय के संबंध में कोई भी अधिकार नहीं है, या राज्य सरकार को या राज्य की विधायिका को भी कोई सेना न्यायालय के संबंध में अधिकार नहीं है। उसका अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, प्रेसिडेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
इसमें जो पर्यवेक्षण का अधिकार है उसमें क्या क्या देखते हैं? ये क्षेत्र अधिकार का कोई अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है वो देखते हैं, नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन तो नहीं हो रहा है वो देखेंगे, विधि से संबंधित कोई त्रुटि हो रही है वो देखते हैं, उच्चतर न्यायालय की विधि के प्रति असमान यदि कोई कर रहा है, मतलब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी कानून बनाए गए कानून या जो प्रेसिडेंस है उसके उसका कोई असमान तो नहीं कर रहा है, किसी आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है ये देखते हैं, कोई अनुचित निष्कर्ष तो नहीं निकाला गया है लोअर कोर्ट से वो देखते हैं, फिर प्रकट अन्याय आदि जो है इन सब, प्रकट अन्याय का मतलब है जहां पर न्याय की सीधे सीधे उल्लंघन की गई है या फिर उसको इग्नोर किया गया है तो ये सब प्रकट न्याय कहलाते हैं, मतलब जो डायरेक्ट इनजस्टिस जिसमें हाई कोर्ट को लगता है कि ये जो मामला है इसमें लोअर कोर्ट ने सही तरीके से जस्टिस नहीं किया है वो है प्रकट अन्याय, मतलब जो डायरेक्ट इनजस्टिस है। इन सभी मामलों पर ये क्या करते हैं, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं कि जो लोअर कोर्ट है वो अपने दायरे में रह के काम करें, सही तरीके से निर्णय दें और नैसर्गिक न्याय और विधि जो है उन के हिसाब से वो काम करें। अब आते हैं अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो कंट्रोल में क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले जिला जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करते हैं, इनकी तैनाती और पदोन्नति करते हैं, इनका स्थानांतरण, अनुशासन, अवकाश स्वीकृति, ये सभी मामले जो है वो सब कौन देखते हैं, हाईकोर्ट देखता है। राज्य न्यायिक सेवा में जो नियुक्ति है वो राज्य न्यायिक सेवा में कौन, जिला न्यायाधीश के अलावा जो नियुक्ति है, तो राज्य न्यायिक सेवा जो है उसमें नियुक्ति, उसमें राज्यपाल को क्या करते हैं, परामर्श देते हैं, इनकी नियुक्ति, तैनाती, स्थानांतरण, अनुशासन, अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति, ये सभी मामले ये देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जो जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति ये डायरेक्ट करते हैं, उसके अलावा राज्य न्यायिक सेवा जो है, जो जुडिशियल सर्विसेज होती है उसके एग्जाम्स होते हैं पीएससी के थ्रू और अन्य जो अथॉरिटीज हैं उनके थ्रू, तो उनकी नियुक्ति के संबंध में क्या करते हैं, राज्यपाल को अपना परामर्श देते हैं कि इस व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं आप। इसके अलावा यदि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी प्रकरण में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल है या संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है तो उसको अपने पास मंगवाना, और या तो वो स्वयं निर्णय देते हैं या तो निर्णय के साथ वापस लौटाते हैं कि आप इस तरीके से इसमें निर्णय दोगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी मामले में कानून का कोई प्रश्न आ गया कि इसमें कानूनी विकल्प क्या है या कानून की क्या व्याख्या है या फिर संविधान की क्या व्याख्या है, ऐसे सभी मामलों को अपने पास बुला सकते हैं और या तो वो उस मामले में स्वयं निर्णय दे सकते हैं कि इस मामले का ये निर्णय होगा, या तो वो वापस लोअर कोर्ट को भेज सकते हैं कि आप इस तरीके से निर्णय दो। वापस लोअर कोर्ट को भेजने का रीजन ये है कि सपोज जो हाई कोर्ट है वो उसने निर्णय दिया, तो अब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया तो इसका अगला अपील कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, लेकिन अगर वही जो है निर्देश के साथ अगर वो वापस लोअर कोर्ट में भेज देंगे तो लोअर कोर्ट में यदि कोई डिसीजन आया तो उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील कहाँ किया जा सकता है, हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है, मतलब जो अपीलेट है उसके पास एक ऑप्शन बढ़ जाता है हाई कोर्ट पे अपील करने का। अदरवाइज अगर हाई कोर्ट क्या करेगा, अगर उसमें निर्णय दे देगा तो क्या है, उसका एक ऑप्शन जो हाई कोर्ट में अपील का ऑप्शन था वो खत्म हो जाएगा, वो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाएगा या हाई कोर्ट के हायर बेंच में। उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों को मानना अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। अब आते हैं अभिलेख न्यायालय की शक्ति, आर्टिकल 215 में इसका प्रोविजन है। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है, ये जो न्यायालय है इसके सभी आदेश, निर्देश और जो भी इनके द्वारा बनाई गई विधियां हैं उन सबको क्या किया जाएगा, संरक्षित रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, और ये सभी जो है ये अन्य विधियों की भांति इनका क्या होगा, बल होगा, मतलब एक सामान्य जो लॉ बनता है, एक कानून जो बनता है उस कानून के समान इसकी शक्तियां होंगी और इनको पूर्व उदाहरण प्रेसिडेंस के रूप में प्रयोग किया जाएगा, मतलब कभी भी अगर न्याय निर्णय होगा या कभी भी कोई मामला आएगा, सपोज प्रमोशन का कोई मामला है, प्रमोशन के किसी मामले में हाईकोर्ट ने क्या है डिसीजन दिया है, अब लोअर कोर्ट में या कभी भी अगले मामले में हाईकोर्ट में कोई मामला आ गया तो देखा जाएगा कि प्रमोशन के पिछले मामले में हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, और यदि मामला सेम है तो हाईकोर्ट के निर्णय के हिसाब से ही निर्णय दिया जाएगा, मतलब एक प्रेसिडेंस के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है पूर्व उदाहरण के रूप में कि पहले ऐसे मामले में ऐसा निर्णय दिया गया है। अभिलेख न्यायालय को क्या होता है, उनको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है। अवमानना के लिए दंड मतलब अभिलेख न्यायालय का हमने बताया उसके जो जितने आदेश निर्देश वो सब है वो क्या है, उनको अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, उनका बल जो है एक कानून की भांति होता है। अब यदि कानून का उल्लंघन होगा तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, पनिशमेंट होगा, तो अभिलेख न्यायालय की शक्ति के साथ साथ अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी ये जुड़ी हुई है। अब आगे देखते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल 13226 ये जो है इससे इसका डेरिवेशन होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो शक्तियां जुडिशियल रिव्यू के रूप में प्राप्त है वैसा ही जो हमारा हाई कोर्ट है उसको भी आर्टिकल 13226 और अन्य आर्टिकल्स के माध्यम से क्या है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है। इसमें क्या होता है,
उच्च न्यायालय को केंद्रीय और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी भी विधि की संवैधानिकता का परीक्षण करने का अधिकार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो वर्ड्स है, केंद्रीय और राज्य विधानमंडल। तो हाई कोर्ट में सेंटर और स्टेट दोनों के जो कानून हैं, जो उस राज्य में एप्लीकेबल हैं, उन दोनों कानूनों को क्या कर सकते हैं, उनके संवैधानिकता का परीक्षण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम संविधान की व्याख्या की बात कर रहे हैं। तो संविधान की व्याख्या के संदर्भ में क्या कर सकते हैं, दोनों कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकते हैं। और यदि उनको लगता है कि इसमें क्या है, कोई संविधान का प्रश्न विद्यमान है या संविधान के अनुरूप नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, उसको खारिज भी कर सकता है। न्यायिक समीक्षा का प्रयोग मूल अधिकारों के हनन, विधानमंडल के कार्य क्षेत्र के बाहर की विधि अथवा संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध किसी विधि की समीक्षा के लिए किया जा सकता है। अन्य शक्तियां और क्षेत्र अधिकार में हम देखें तो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और उसको सुधारने की शक्ति, मतलब कि पूर्ण न्याय करने की शक्ति है। कई बार क्या होता है, हाईकोर्ट ने किसी मामले में कोई डिसीजन दिया और हाईकोर्ट को बाद में समझ में आया कि इसमें कुछ फैक्ट कम थे या इसमें एक एंगल हम देखना भूल गए, तो जो अपीलेट है वो क्या कर सकते हैं, पुनः इसमें अपील कर सकते हैं कि आपने ये जो मामला है इसको तरीके से विचार नहीं किया है, या फिर इसमें ये पक्ष छूट गए हैं, तो आप, या नया तथ्य आ गया इस मामले में, तो आप इसको पुनर्विचार करो। तो हाईकोर्ट क्या कर सकता है, विचार याचिका को स्वीकृत कर सकता है और उसके बाद उसमें हायर बेंच में या फिर जो इक्विवेलेंट बेंच है वो क्या कर सकता है, वो उस पर विचार कर सकता है फिर से और अपने जो पुराने निर्णय है या तो उसको बरकरार रख सकता है या तो उसको चेंज कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा घोषित जो विधि है उसका सभी न्यायालय जो है उनके ऊपर आबद्धकारी होना, मतलब उनके लिए वो बाध्यकारी है। यदि हाईकोर्ट ने कोई विधि बना दी या कोई निर्णय दे दिया तो वो सब क्या है, लोअर कोर्ट्स के लिए बाध्यकारी, लोअर कोर्ट्स उसको चैलेंज नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय से संबंधित नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, हाईकोर्ट के पास है। न्यायिक अधीक्षण और संविधान की व्याख्या की शक्ति किसके पास है, जो राज्यों के स्तर पर हाईकोर्ट के पास है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के पास है। निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद है तो वो सभी मामले हाईकोर्ट में सुने जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।